हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू VDB लर्निंग्स। मैं हूँ वंशिका। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ट्रिक, वो भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट्स के लिए। इस वीडियो में मैंने टू डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया है। ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप फास्ट कैलकुलेशंस कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टू डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें 3 स्टेप्स दिए हैं, तो वो स्टेप्स हमें फॉलो करना होता है। फर्स्ट स्टेप है कि मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस। हमें तो पता ही है, अगर टू डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन बोला है तो जो फर्स्ट डिजिट है वो होगा यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस, और जो सेकेंड डिजिट है वो होगा हमारा टेंस प्लेस। तो फर्स्ट स्टेप में हमें करना है यूनिट प्लेस का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम करेंगे स्टेप 2 यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो हमें क्या करना है, वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस में दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड इट। देन उसके बाद हमें स्टेप 3 में क्या करना है, मल्टीप्लाई टेंस प्लेस, टेंस प्लेस का मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर हम ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो हम इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 12 × 13। हम अगर नॉर्मल तरीके से 12 × 13 करते हैं तो फर्स्ट हम करेंगे कि 3 से हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर दैट 1 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो अब हम ये 3 स्टेप्स फॉलो करके इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे 12, 13, इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अभी फर्स्ट स्टेप है हमारा मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस इसमें है 2 और 3। सो हम क्या करेंगे, पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी 2 × 3 मीन्स 6। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देन सेकेंड स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एड। तो अब हम क्या करेंगे, 12 और 13 इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 × 3 यानी 1 × 3 एंड 1 × 2 ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और उसके बाद हम इनकी एडिशन करेंगे, यानी क्या हो गया, 1 × 3 = 3 प्लस 1 × 2 = 2। सो 3 + 2 = 5। 5 मिल गया, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप के लिए हमें क्या करना है कि जो टेंस प्लेस है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 1 × 1। सो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है 1, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो द आंसर इज 156। देखिए कितने जल्दी हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अभी और एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, 32 × 14। अब हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले हम यहाँ पे डिजिट्स लिख लेते हैं, 32 × 14। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि जो यूनिट प्लेस है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 4 × 2 = 8। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अभी सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, 32 और 40 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। सो 3 × 4 + 1 × 2 यानी क्या आएगा, 3 × 4 मीन्स 12 प्लस 1 × 2 मीन्स 2। सो 12 + 2 = 14। अब यहाँ पे कैरी आ गया है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है वो 4 एज इट इज हम लिख लेंगे और जो 1 है वो हम कैरी लिख लेंगे। जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी कैरी ले लेंगे। तो 3 के ऊपर हमने 1 कैरी ले लिया है। ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप करते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या है
कि जो टेंस प्लेस है उनका मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी 3 × 1 इज इक्वल टू 3। तो अभी जो 1 कैरी हमने किया था वो अभी हम 3 में ऐड कर देंगे, यानी 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो द आंसर इज 448। तो देखिए कितने जल्दी हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया है। आप भी इस ट्रिक से मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करके देखिए और मुझे बताइए कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। थैंक यू।